हरी भरी खेतें और चौड़ी मजबूत सड़कें किसी गांव में हो तो समझिए कि गांव का कायाकल्प हो गया है। वाराणसी के जयापुर गांव की तस्वीर भी विकास की कहानी बयां कर रही है। गांव को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। अब गांव में बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। करीब डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा सरकारी विकास योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं गांव में मौजूद है, तो वहीं पुरुषों के लिए गौशाला, डाकघर, बैंक और ज्ञान केंद्र की सुविधा मुहैया कराई गई है। चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त किया गया है। 3 साल के भीतर ही जयपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों पूरी तरह बदल चुकी है। विकास में यहाँ बैंकिंग सेवा के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था। दो दो अच्छे बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया और एक पोस्ट ऑफिस, जो कोटेड पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई और यहाँ पर तमाम जन जागरण अभियान चला करके यहाँ के लोगों को जागरूक किया गया, चाहे योग संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो या पर्यावरण संबंधी हो। हर क्षेत्रों में यहाँ समय समय पर संगोष्ठियाँ की गई और योजना अभियोजना चला करके यहाँ लोगों को जागरूक किया। कितना परिवर्तन पिछले 3 साल में दिखाई दे रहा है, जयपुर कितना बदला है? जयपुर पहले से बहुत बदला है। पहले हमारे गाँव में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ से गोद लिए हैं, समझिए रोड तो बन रहा है, टावर लग गया, बैंक दो दो सिंडिकेट यूनियन बैंक, स्टेट बैंक हो गया 3, और इथुआ बन गया है, पोस्ट ऑफिस बन गया है, सौर ऊर्जा प्लांट लगा है, पानी का जल निगम लगा है, अभी टैंक देखिए बन वो भी लगा है। इनके आने से यहाँ पे बहुत सुविधा हुई है, महिलाओं को काम भी मिल गया, गौशाला बन गया, हर चीज़ हो रहा है यहाँ पे। जितना सुविधा एक महानगर में होता है एक आदमी के लिए मिलता है, हमारे हिसाब से उससे ज़्यादा सुविधा जो है कि यहाँ गाँव में किसानों को मिल रहा है। यहाँ पर किसानों से सीधे गेहूँ खरीद कर उनके सीधे खाते में RTGS के माध्यम से भुगतान किया जाए। जयपुरा के बाद प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक और गांव को गोद लिया। सेवापुरी विधानसभा के नागेपुर गांव को जब मोदी ने गोद लिया तो यहां के लोगों को भी लगा कि जयपुर की तरह अब नागेपुर के दिन भी बहुरने वाले हैं। गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए खुद स्मृति ईरानी ने हाईटेक नंद घर का उद्घाटन किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने भी गांव के युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार मुहैया कराने के लिए कृषि प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। लेकिन गांव अब भी विकास के लिए तरस रहा है। अभी यहां पानी की काफी असुविधा है पीने के लिए। एक बोरवेल भी यहां लगा है, 300 घर में कनेक्शन हो गया है, लेकिन वो भी अभी तक चालू नहीं हो पाया है बिजली के अभाव में। और गर्मी के दिनों में जैसा इसमें काफी पानी की दिक्कतें होती है पीने के लिए, और इसलिए ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जयापुर और नागेपुर आदर्श ग्राम योजना की दो जुदा तस्वीरें पेश कर रही हैं, एक विकास की तो दूसरी बदहाली की। फिर भी एक बात तो तय है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो विकास संभव है। गौरव शर्मा, APN वाराणसी।